हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैट 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हो, आज सुबह सुबह इस पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा। क्या इन्होंने सुबह सुबह आपके बारे में कुछ सोचा भी या नहीं सोचा, सोचा तो क्या सोचा, तो वही चीज़ें आज मैं देखने जा रही हूँ, वो भी कैंडल वैक्स के थ्रू। तो आई होप आप टॉपिक समझ पाए होंगे कि क्या हम देखने जा रहे हैं आज के इस रीडिंग में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि सुबह सुबह क्या इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा और क्या सोचा। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है मेरे व्यूअर्स के रिगार्ड, अपने पर्सन के रिगार्ड यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए कि सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स के बारे में कुछ सोचा भी या नहीं सोचा, और सोचा तो क्या सोचा। देखिए, इस पर्सन के मन में ना सुबह सुबह कुछ आपको लेकर इस तरह से थॉट्स रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना एक्सपेंड कर रहे हो, एज एन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्टेबिलिटी आ गई है, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं, या एटलीस्ट आप ऐसी जगह पर अब हो जहाँ पर आप महफूज हो, प्रोटेक्टेड हो। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह चली हैं। ओवरऑल इन्हें ऐसा लगता रहा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेंड कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, जिस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में देखो आपके रिगार्ड थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिविटी रही या जेलेसी रही है, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। आप फ्लेम देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ा रही है यहाँ पर फ्लेम। यहाँ पर आपका जे लेटर, एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें थी कि आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पर हो जहाँ पर आप अपनी इंडिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हो, या आप अपनी इंडिपेंडेंसी में ना खुश हो। मतलब एक होता है कि बहुत से लोग अकेले रहकर परेशान होने लगते हैं, बट आप नहीं हो खुश, बल्कि वहाँ पर तो आप अपना और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे हो, बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज में हो, और ये ही एक ऐसी जगह पर रह गए हैं जहाँ पर ये एक्सपेंड नहीं बल्कि वहीं पर थम कर रुक कर रह गए हैं। तो ये पर्सन सुबह सुबह आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि एक जेलेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एक देखिए आप जैसे कि कैंडल बुझी है यहाँ पर, जैसे कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि जब आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी ग्रोथ कर रहे हो या ऑलरेडी खुश हो, कंफर्ट जोन में हो, तो आपको अब इनकी क्या ज़रूरत है, आपको इनकी तरफ बढ़ने की अब क्या ज़रूरत है, या आप अब इनका इन सब चीज़ों के बाद क्या इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को सुबह सुबह ना आपको याद तो कर रही थी, लेकिन साथ में इम्बैलेंस भी कर रही थी, एकदम से जैसे कि ना अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि उसे मेरी क्या ज़रूरत है, वो ऑलरेडी अपने मुझे इस लाइफ में क्लोज़र दे दिया होगा, वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स ले रही है या ले रहा है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को अपने आप से ऐसा फील करा रही थी कि यही इनकम्प्लीट रह गए, यही अधूरे रह गए, ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी अचीवमेंट नहीं लेकर आ पाए। तो उस चीज़ को लेकर भाई इस पर्सन के मन में ना बहुत ज़्यादा जैसे आग सी लगी हुई हो, ये यहाँ पर है। इंडिपेंडेंट ये भी हैं, आज़ाद ये भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी आज़ादी देख कर एग्रेसिव रहे हैं, आपकी आज़ादी देखकर इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में स्पेशली यहाँ पर ये बन रही है कि भाई देखो, ये पर्सन आपको ना कंट्रोल में रखना चाहते थे, कि आपको इन्होंने बोला कि भाई दिन है तो दिन बोलो आप, रात है तो रात बोलो आप, और इनका मन है खुश होने का, बोलने का, तो आप बोलो,
और अगर इनका मन नहीं है बोलने का, खुश रहने का, तो आप चुप होकर बैठ जाओ। यानी कि आप जो भी करो इस पर्सन से पूछ कर करो, इनके मन मुताबिक करो, इन्हें ऐसा चाहिए था लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। इन्हें वो चीज़ें ना सुबह सुबह बहुत परेशान करती रही हैं, वो चीज़ें जैसे कि इस पर्सन के अंदर एक वक्त पे जो आपको लेकर पॉजिटिवनेस थी ना, उस चीज़ को हवा लगा रही थी, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डाल रही थी, तो ऐसा कुछ इनके साथ सुबह सुबह रहा है। ठीक है, आपको लेकर पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन एक वक्त पे हद से ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं और इन्होंने बहुत लंबे समय से वो पॉजिटिवनेस जो है वो अपने अंदर समेट कर रख रखी थी, लेकिन सुबह सुबह इनकी खुद की पॉजिटिवनेस जैसे इन्हीं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होती रही और ये पर्सन उसे चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाए। अभी तक तो इग्नोर ही कर रहे थे लेकिन सुबह सुबह ये इसे इग्नोर भी नहीं कर पाए। यानी कि जैसे कि इनका खुद का भी दिल नहीं कर रहा था, आप देखो यहीं पर आएंगे, ठीक है, इनका खुद भी ये दिल नहीं कर रहा था कि ये इस थॉट को अपने माइंड से रिलीज करे। इनका इनफैक्ट ये था कि भाई ये और सोचे इसके बारे में, क्या क्या बदलाव आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ गया है उसके बारे में और सोचे, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, कितने सक्सेसफुल हो रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है या आ गई है, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस सुबह सुबह करती रही हैं। यहाँ पर टी लेटर दिखाई दिया है, सी लेटर भी यहाँ पर है, ई लेटर भी है यहाँ पर, ओ लेटर भी है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो ये पर्सन ना जो भी इस कनेक्शन में हुआ, जो भी डेथ हुई है इस कनेक्शन में, या ये जो कनेक्शन आपका कामयाब नहीं हो पाया, उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर सौंपते आए हैं या आप पर डालते आए हैं कि भाई आपकी वजह से ये कनेक्शन सही से नहीं चला। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपके मामले में ऐसा फील कर रहे हैं कि आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें इस पर्सन को घुटन फील करा रही थी, एज एन वो चीज़ें इनके ऊपर ही पड़ रही थी कि भाई आप खुश हो, इसका मतलब आप इन्हीं के साथ खुश नहीं रह पाए या इन्होंने ही आपको खुश नहीं रखा, वरना अब तो आप खुश हो, तो वो चीज़ें इस पर्सन को मार रही थी, इनके ईगो को वहाँ पर ख़त्म कर रही थी या इन्हें अंदर से उन चीज़ों की घुटन महसूस होती रही है, तो ये है। और यहाँ पर इत्तेफाक से ये पर्सन ये चीज़ें किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कमियां तो यहाँ इनकी खुद की नज़र आएंगी। ओवरऑल ये पर्सन सुबह सुबह आपको लेकर हद से ज़्यादा क्यूरियसिटी रख रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे सोशल मीडिया पर, अगर आप आज भी एग्जिस्ट करते हो तो आपको ढूंढने की तो इच्छा इनकी रही है। यहाँ पर आप ये देखिएगा 3 नंबर मुझे दिखाई दिया, यानी कि मार्च मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि अपनी लाइफ में भी ना ये पर्सन बहुत सारे अब ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, जैसे सुबह सुबह मन में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से इन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, अब इनके मन में एक तरह से बदले की भावना चली कि भाई अब मुझे भी और ऑप्शंस को ढूंढना है, मुझे भी अपनी लाइफ में अपना एक मोटिव बनाना है, तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में चली। और ओवरऑल देखो ऐसे इंसान ना अल्टीमेटली कन्फ्यूज ही होकर रह जाते हैं, उनके हाथ पल्ले कुछ आता नहीं है, जो दूसरों को देख कर करते हैं, अपनी समझदारी से कुछ नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडिया हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि ये पर्सन ना अफसोस में तो रहे, लेकिन अफसोस को अब अफसोस का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, वो चीज़ें इनके मन में चली हैं। भाई गुस्सा तो बहुत है आपके पर्सन को, ऐसा दिख रहा है जरा जरा सी सी बातों पे, जैसे सुबह सुबह इन्हें गुस्सा आ रहा हो, कोई इनसे कुछ पूछ रहा है कि भाई क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, तो ये बस गुस्सा करके दिखा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन मुझे इनकी दिखाई दी है। आप देखो कैंडल की क्या हालत हो रही है, ये आपके पर्सन का गुस्सा नज़र आ रहा है जो बेसिकली सुबह सुबह इनके परिवार वालों पर उतरा है या इनके आसपास जो भी हैं उनके ऊपर उतरा है, उन्होंने ही इनके इस गुस्से को झेला है, देखा है, ऐसा दिख रहा है। सी लेटर यहाँ पर बहुत क्लियरली बनता हुआ मुझे दिखाई दिया है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मेरी जो ज़िंदगी है वो कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला,
और आपकी जो जिंदगी है वो इन्हें ऐसी दिखती रही कि भाई कब शुरू हुई और कब एक्सपेंड हुई ये पता ही नहीं चला। और वो चीज़ें ना इस पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर रही थी, वो चीज़ें इस पर्सन को परेशान कर रही थी अंदर ही अंदर। ऐसा दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये शॉर्ट टेम्पर्ड या गुस्सा करने वाले तो है ही हैं, साथ में जिद्दी स्वभाव के भी है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जिस बात पे अड़ जाते हैं उस बात पे अड़ जाते हैं, उसके बाद कोई भी इन्हें कितना भी समझा ले बस ये अपना डंडा लेकर बैठ गए कि नहीं ये है तो ये है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको उस चीज़ का दर्द हो रहा हो कि भाई मेरी जिद की वजह से आज मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ या देख रही हूँ। उस चीज़ से ये पर्सन सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहे हैं, वो भी है यहाँ पे। ओवरऑल यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन को सुबह सुबह ऐसा लगता रहा कि भाई ये बेवकूफ़ बनकर रह गए और कुछ इनके हिस्से पल्ले कुछ नहीं पड़ा बस, और ओवरऑल इनके हिस्से बस ये चीज़ें पड़ी कि ये बेवकूफ़ बनकर रह गए इस सिचुएशन में, इस हालात में, और ओवरऑल ये ही यहाँ पर बैठे हैं, बाकी सब तो मूव कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जैसे कि इस पर्सन के ना सुबह ही अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों, लड़ाई झगड़े हो गए हों, कुछ इन्होंने स्ट्रेस की वजह से अपसेट होने की वजह से उन्हें भी कुछ कह दिया हो, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का इन्हें अफसोस भी नहीं रहा क्योंकि ओवरऑल गुस्से में इंसान कुछ भी कह जाता है या कह जाती है, और इन्हें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने आता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल इस पर्सन के आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं अपने परिवार में। ये पर्सन ना एक्चुअली में जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं सुबह सुबह उसको ये भुला नहीं पा रहे। उस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उस चीज़ से इन्हें ऐसा फील होता रहा कि भाई मैं ही यहाँ पर थमा हुआ रह गया हूँ या रह गई हूँ, जिसे अब मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता या कर सकती। और ऊपर से इन्हें ऐसा भी लगता रहा कि भाई मेरे पास तो कोई सपोर्ट भी नहीं है जिसके सहारे मैं अपने आप को आगे मूव कर पाऊँ, आगे बढ़ा पाऊँ। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन जैसे अब आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं तो ये उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, और जो चीज़ें हैं ये उसको लेकर भी श्योर नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर भी इन्हें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल इनकी ज़िंदगी जैसे नर्क बन गई हो, इन्हें ऐसा फील होता रहा कि मेरी ही लाइफ यहाँ पर नर्क या हेल बनकर रह गई है। तो ऐसा कुछ इन्हें चीज़ें ना सुबह सुबह बहुत डिस्टर्ब करती रहीं और फ्रस्ट्रेट करती रहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को। एक्चुअली में ये पर्सन ना अकेला महसूस कर रहे थे और ये अकेलेपन की वजह से ही इस पर्सन के साथ रहा। इन्हें ऐसा लगता रहा कि हर तरफ से ना अब मुझे लोग, दोस्त, कलीग्स ये सब मुझे रिजेक्ट करते जा रहे हैं, मतलब मुझे अपने आप से दूर करते जा रहे हैं, कोई मेरी प्रेजेंस, मेरी मौजूदगी अब पसंद नहीं करता। तो उन चीज़ों को भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। जैसे इंसान जब डिस्टर्ब होता है ना तो उसके मन में यही चीज़ें चलती हैं कि शायद अब मेरी कोई मौजूदगी भी नहीं पसंद करता, मेरा कोई साथ भी नहीं पसंद करता या करती। तो ऐसी चीज़ें ना इस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करती रहीं, अपसेट करती रहीं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर मुझे WML 7 नंबर जुलाई मंथ, 6 नंबर, 9 नंबर जून, सितंबर, ये सभी दिखाई दिए हैं, ठीक है। टी लेटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर। चलिए ये देखते हैं अगर ये पर्सन सुबह सुबह कुछ इस तरह की भयानक सी एनर्जीज में रहे, इतने अग्रेसिव रहे, तो आपसे इन सब सिचुएशन में ये पर्सन कहना क्या चाह रहे थे, आखिर दिल में क्या कहने की इच्छा थी इनकी, तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ टैरो से। अंत तक रीडिंग को देखिएगा क्योंकि मैं एंड में यहाँ पे आपके लिए ड्राउजिंग से यस और नो भी निकालूंगी, ठीक है, जिसमें सवाल आपके होंगे और देखेंगे उस सवाल का जवाब क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ रिमाइंड, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ ओरिएंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे थे, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आखिर कहना क्या है अभी ने, गाइड कीजिए।
आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, तो आपसे ये कहना चाह रहे थे कि देखो तुमने मुझे भुला दिया, मैं तो तुम्हें आज तक नहीं भुलाया, मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं भुलाया, तुम मुझे भुला दिए होंगे तभी तो तुमने अपनी ज़िंदगी में एक्सपेंड कर लिया, तो इस चीज़ का भी ब्लेम लगा दिया आपके ऊपर। तो पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो इन्हें ब्लेम गेम्स खेलने की बहुत ज़्यादा आदत है और इस ब्लेम गेम के चक्कर में इन्होंने अपना नाश पीट लिया, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। अब एक्चुअली में सिचुएशन इनकी ये हो गई है कि पहुँचना तो है इन्हें आपके पास, लेकिन अब ये डर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल ऐसे इंसानों के साथ यही होता है कि वो गुस्से में अपना इतना कुछ ख़राब कर लेता है, फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली वो रास्ते भी बंद कर देता है, जिस चीज़ का एहसास इन्हें है, सुबह सुबह भी रहा और आपसे कहना भी यही चाह रहे थे। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, इन्हें ये चीज़ें फील हो रही थी कि जैसा अब ये महसूस कर रहे हैं ना आपके लिए या इस रिश्ते के लिए, वैसा अब आप बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती रहीं। वाई यू सो मीन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतने मीन क्यों हो रहे हो, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे थे। गाइड कीजिए बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। You are perfect for me, आपसे कहना चाह रहे थे कि तुम मेरे लिए perfect हो क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन के गुस्से को झेला है, आपने हमेशा ऐसे इंसान को झेला है, तो obviously आप perfect ही हो। I know you are the one for me, again आपसे कहना चाह रहे थे कि मैं तो जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम ही एक हो मेरे लिए जो बने हो, तुम ही नहीं जाने या पहचाने तभी तो तुम आगे expand करने लगे हो। You make me feel things I have never felt before, आपसे कहना चाह रहे थे कि तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसा मैंने कभी पहले करा ही नहीं और अब तुम ही उन चीज़ों को भुला चुके हो। I talk to you a lot in my head, आपसे कहना चाह रहे थे कि भाई मैं तो अपने दिमाग में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ या तुम ही मेरे दिमाग में हर वक्त चलते रहते हो, तो ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। चलिए देख लेते हैं यस और नो में, जिसमें सवाल आपके होंगे और मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपके सवाल का जवाब आपको किस तरह से मिलेगा। ठीक है, जेन्युइन सवाल आपको करना है, आलतू फालतू सवाल यहाँ पर नहीं करने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आज की इस ड्राउजिंग में रखा है यस और यहाँ पे मैंने नो रखा है, तो लेट्स चेक क्या है आपके सवाल का जवाब। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए। मेरे व्यूअर्स के सवालों का जवाब क्या है यूनिवर्स, गाइड कीजिए बताइए। क्या है व्यूअर्स के सवाल का जवाब, हाँ है या ना, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारा ड्राउजिंग किस तरह से यहाँ पे मूव कर रहा है यस की तरफ, मैंने आपको बताया था यस मैंने यहाँ रखा है, तो देखिए आपके सवाल का जवाब यस में मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जब आपके सवाल का जवाब मिलेगा तो उसमें वक्त लग जाएगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आपका जो भी सवाल था वो काम करना शुरू करेगा ना, भले अभी वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उस सवाल के रिगार्डिंग अभी कोई भी एक्शंस कोई भी मूवमेंट आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि जिस दिन इस सवाल में मूवमेंट्स आएंगे वो इतनी तेज़ी से आएंगे कि चीज़ें ना जैसे कहते हैं ना झट मंगनी पट बिहा, तो उस तरह से चीज़ें यहाँ पर मूव करेंगी। समय अभी बस मूव करने में ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही हैं कि जिस दिन ये मूव करनी शुरू होंगी तो बस आप ही समझ लीजिए जैसे सुबह स्टार्ट हुआ मूव करना चीज़ें, तो विद इन वन वीक्स में सब चीज़ें झटपट हो जाएंगी, तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर रीडिंग का करूँगी एंड।
यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और डीजे बताइए, गाइड कीजिए। लाइब्रेरी, ये आना था रीडिंग, क्योंकि हमारी इसी तरह की आ जाई थी। विच फायर, आपने यही काम करा है, बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है आज की रीडिंग में, ठीक है। रेन ड्रॉप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है ट्री, ठीक है। देखिए, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपको पपेट बनाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाह रहे थे, लेकिन आपने इनकी उंगलियों पर नाचने की जगह आपने ना इन्हें लेट गो करा है, या आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से स्ट्रांग बनाया है कि भाई आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेकर इस पर्सन की तरफ एक विच फायर करना है, यानी कि जैसे कुछ तैसा जवाब देना है। आपने एक अपनी ऐसी सोच बनाई है कि भाई जहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो वहाँ पर उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, और आपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी टेढ़ी उंगली करी है, इन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनकी सुबह सुबह यही एनर्जी रही कि आपने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली है। अब वो बात और है आपने करी है या नहीं करी है, लेकिन गाइडेंस के तौर पर आपके लिए ये आ रहा है, अगर आपने करी है तो आपसे आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन बोल रहे हैं भाई आपने बहुत सही करा है, ठीक है। आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को मौका दिया है, ठीक है। आपने इस पर्सन को छोड़कर इस पर्सन को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक नया कदम उठाया है, यानी कि आपने उंगली को टेढ़ा करना सीख लिया है, विच फायर आपने करा है। अगर आपने नहीं करा है तो करिएगा, वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना है आपको, तो वही चीज़ें हैं। अगर आप कर रहे हो तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट डाल रही थी इस पर्सन के ऊपर सुबह सुबह, और नहीं कर रहे हो तो अभी तो ये इनकी सोच है, आप ये सोचिए जब आप करोगे, जब इन्हें पता चलेगा तो फिर तो ये जलकर राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, फिर तो पता चला घर में भी आग लगा दें, तो ऐसी सिचुएशन इनकी हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर हद से ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। भले अभी इन्होंने अपनी पॉजिटिवनेस आपको दिखानी, एक्सप्रेस करनी बंद कर रखी हो, लेकिन ये पर्सन है आपको लेकर पॉजिटिव, और उसी पॉजिटिव के चलते ये पर्सन ना इतने ज़्यादा तिल मिलाए फिरते रहे हैं सुबह सुबह स्पेशली, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखी हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हो आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।